क्रेडिट स्कोर क्या होता है? इस नाम को आपने बहुत बार सुना होगा। जब भी आपने कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, कोई पर्सनल लोन अप्लाई किया, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अप्लाई किया, कोई भी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या अदर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज लेने जाते हो, तो बैंक का अधिकारी सबसे पहले पूछता है कि सर आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो देखिए, क्रेडिट स्कोर 300 से 900 तक एक 3 डिजिट का अंक होता है। अब इसका सिंपली यही मतलब होता है कि जिसका क्रेडिट स्कोर 800 से ऊपर है उसका बहुत अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है या अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। ध्यान रखिए, इस वीडियो में मैं सिविल स्कोर बोलूं या क्रेडिट स्कोर बोलूं, दोनों एक ही बात है। यदि आपका सिविल स्कोर 700 से 800 के मध्य है तो आपका सिविल स्कोर इतना अच्छा नहीं है परंतु अच्छा है, और यदि आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे है तो वो बहुत घटिया सिविल स्कोर है। उस स्थिति में आपको कोई भी पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड, कोई भी ऑफर आपको नहीं मिलेगा, और जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन तुरंत बिना किसी कारण के रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये तो होता है एक सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर। अब बात करते हैं कि इसको बढ़ाएं कैसे। तो देखिए, इसको बढ़ाने का एक सिंपल तरीका है कि जब भी आप कोई पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लो तो सबसे पहले उसका टाइम पे पेमेंट करना। जब भी आपकी EMI आती है तो ऑटो मैंडेट से ऑटोमेटिक खाते से कटती है, तो टाइम पे पेमेंट होगा तो आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। दूसरा, यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से कम होना चाहिए। यह बात सभी इन्फ्लुएंसर कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपके पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट है 1,00,000। अब उस 1,00,000 की लिमिट से आपको 30% ही यूज करना चाहिए। यदि आप 30% से ज़्यादा यूज करते हो तो आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर घटेगा, और यदि आपका 30% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाता है तो जब आपकी स्टेटमेंट जनरेट होती है उससे 3-4 दिन पहले आप अपना बिल भर दीजिए, ताकि बैंक के पास जो रिपोर्ट जाए तो उससे ये पता चलेगा कि यार इस बंदे ने तो 30% से कम यूज किया है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट जनरेट होने से पहले ही बैंक को पेमेंट कर दिया था। तो दूसरी बात, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से कम रखना है। तीसरी बात, क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स ऐसा होता है कि आपने बहुत सारे कंज्यूमर लोन ले लिए, जैसे आपने फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, वो सारे ही आपने EMI पे ले लिए, तो वो सारी कैटेगरी किस में आती है? कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की कैटेगरी में। अब आपने सारे यही लोन ले रखे हैं तो बैंक को क्या लगता है, इनके आपने अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी जमा करा नहीं रखी, तो ये सारे अनसिक्योर्ड लोन आ जाते हैं। आपने पर्सनल लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो आपने ये अनसिक्योर्ड लोन है। वहीं पे बात करें, आपने कोई कार लोन ले रखा है, आपने कोई होम लोन ले रखा है, तो वो आ जाती है सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में। तो इन दोनों का, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी का एक मिक्सअप होना चाहिए। तो वो जितना आप मिक्सअप बनाए रखोगे तब तक आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहेगा। चौथा, इंक्वायरी। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने शहर की ब्रांच में जाते हो, SBI में, वहाँ पे आपने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया। अब आप तुरंत उसी दिन जाते हो HDFC में और क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हो, वहीं पे भी रिजेक्ट हो जाता है। ICICI बैंक में गए, वहीं पे भी रिजेक्ट हो गया। तो आप एक ही दिन में 4-5 इंक्वायरी करा के आ जाते हो। जब भी आप इंक्वायरी करते हो तो आपकी सिबिल में एक इंक्वायरी आती है कि इस बैंक ने इस पर्पज के लिए आपकी सिबिल रिपोर्ट को छेड़ा है। तो यदि आप जितना कम इंक्वायरी करोगे उतना आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा। ध्यान रखिए, आप महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंक्वायरी कर सकते हो। यदि 3 इंक्वायरी से ज़्यादा करोगे तो आपका सिबिल स्कोर डेफिनेटली घटेगा, वहाँ पे बढ़ेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, 1 महीने के अंदर आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंक्वायरी करनी है। 3 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, आपको 2 ही इंक्वायरी करनी है, और हो सके तो आप बिल्कुल इंक्वायरी मत करना। और 5वां पॉइंट आता है सिबिल स्कोर को बढ़ाने का, क्रेडिट एज। अब देखिए, कोई क्रेडिट कार्ड मैंने आज 5 साल पहले लिया हुआ है तो उसकी एक एज बन गई है कि मैं यार इस क्रेडिट कार्ड को 5 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे वो पुराना क्रेडिट कार्ड कभी भी क्लोज नहीं करवाना चाहिए और मुझे लंबे टाइम तक वो क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। और यदि मेरे पास कोई पर्सनल लोन भी चल रहा है तो उसका भी टाइम होना चाहिए कि यार कम से कम 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने तक के लिए वो लोन चले। ये नहीं है कि आप 22 दिन के लिए, 28 दिन के लिए कोई लोन ले रहे हो, उसका टाइम पे पेमेंट कर दिया, लेकिन वो सिबिल में रिपोर्ट थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यार सिबिल को भी पता है कि कोई बंदा पर्सनल लोन 28 दिन के लिए क्यों लेगा, ऐसी क्या नीड आ गई किसी बंदे को। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई पर्सनल लोन हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो, कम से कम उसकी EMI 12 महीने या 24 महीने या 18 महीने की जरूर बनानी चाहिए,
क्योंकि ताकि आपका सिविल स्कोर में एक एज बने कि यार इस बंदे ने 3 साल से या 4 साल से लगातार ये पेमेंट कर रहा है और आपका सिविल स्कोर उसी तौर पे बढ़ेगा। तो इस वीडियो में आपने समझा कि क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर होता क्या है, इसको बढ़ाने के 5 कौन कौन से तरीके हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।